सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुर प्रसाद जाप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन हुआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारी छपे अंधेर पलोवा सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाहु वाहु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मान पर तख गुरु निस तारे खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज मैं नाही कछ हौ नहीं कछ आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लिहु सदना जन तोरा कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत पुर जा कट मरै कब हो न छाड़े खेत जिस मरण ते जग डरै मेरा मन आनंद मरने ही ते पाई पूरन परमानंद सो कहो डल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय जुग जुग टल चबर शतर तखत दे मालक गुरता गद्दी उपर सुभायमान दस पातशाहियां दी आत्मक जोत सर मनुखता दे सांझे रहबर सर मानवता दे मार्ग दर्शक सरकारे कुल आलम हजूरे अनवर पातशाह बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजर हजूरी विच बाला प्रीतम धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री बंगला साहब विखे जुड़ बैठ के और लाइव टैलीकास्ट के माध्यम राही आपो अपने घर देश विदेश बैठ के सतगुरां दे पावन दरबार नाल जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ सरबत संगतां सर विचारां दी सांझ तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ करिए कोई भी रसना वांझी ना रहे बड़े अदब सत्कार नाल सतगुरां नूं सीस झुकाओ अते सारियां संगतां बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
सतगुरां ने अपार बख्शिश रहमत की है, सुभागा समा गुरु चरणा विच जुड़ बैठण दा प्राप्त होया है। सतगुरां दे पावन दरबार विच अमृत वेले तो सतगुर प्रकाशमान हो के दर्शन दारे बख्श रहे ने। वाहिगुरु मंत्र दे जाप, गुरबाणी दे जाप, शब्द कीर्तन श्री आसा की वार दे हजूरी रागी सिंह साहबाना दी रसना तो आप सरबत संगतां ने सरवण कीते है। सतगुरां दे पावन दरबार विच धुरकी बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार नूं सरवण करन दा सानू सुनहरी समा प्राप्त हो रहा। सतगुरां दी ये मनोहर गुरबाणी, मनोहर कथा और सुनहरी समा ये सतगुर सचे पातशाह दी वड्डी बख्शिश ते रहमत है, क्योंकि समा ते सवास सफले हो जांदे उमर उहा विच लेखे जो याद साईं च गुजरे। साई घड़ी सुलखणी सौ नाल विहावै, ते जो पावन शब्द दी विचार नाल अज आपां जुड़ना। आप जी ने सतगुरां दे पावन स्थान दे मुख ग्रंथी सतकारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दी रसना तो पावन शब्द दा जाप सरवण कीता, जिस दी कथा विचार अज सतगुर सच्चे पातशाह सानू बख्शिश कर रहे हैं। जिवें सतगुरां दी रहमत हुंदी है, बख्शिश हुंदी है, आओ सरबत संगतां सतगुरां दी पावन इस शब्द दी कथा विचार नाल जुड़ के अपने समय ते सवासां नूं सफलियां करन दा जतन करिए। सिंह साहब जी ने दस्या कि अज श्रोमणी भगत कबीर जी का भी जन्म दिहाड़ा, अवतार दिवस है। मैं आप सरबत संगतां नूं श्रोमणी भगत कबीर जी दे जन्म दिहाड़े दियां लख लख मुबारकां, लख लख वधाइयां देंदा हाँ। जिहड़े भगती लहर दे सिरजक होए, कांसी बनारस दी धरती जो पंडियां दा गढ़ सी, अपने मत दा प्रचार ते प्रसार वो अपने तरीके नाल कर रहे सन, अपने असूल ते सिधांत मनुखता दे विच वंडियां पा के ये शूद्र है, ये वैश है, ये खत्री है, ये ब्राह्मण है। ते जो वरतारा वरत्या तुसी सारे ही जानदे हो, जिहड़े इतिहास नूं पढ़दे, हिस्टरी नूं पढ़दे हो, जां जिन्हां ने भगतां दा जीवन पढ़िया कि किस तरह फिर उन्हां भगतां ने, चाहे वह भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, उन्हां ने जिहड़ी जात पात छूआ छात जो चल रही सी उस ते करारी चोट मारी, जो परमात्मा दा रब्बी ज्ञान सर्वसांझी वालता दा ज्ञान सारी मनुखता दा उन्हां भगतां ने गुरमुख प्यारिओ वरताया, भावें ये सारा वरतारा वरतदिआं उन्हां नूं अनेकां कष्ट झलणे पए, अनेकां मुसीबतां चों लंघना पिया। हुण भगत कबीर जी बाबत असीं पढ़दे किवें उन्हां नूं बन्ह के हाथी अगे सिटिआ गिआ। जदों भगत कबीर जी दी जीवन साखी पढ़ांगे तो सानू इस गल दा ज्ञान प्राप्त होवेगा। परमात्मा ने एक मनुख दी सिरजना कीती है, जीव दी सिरजना कीती, मनुख विच वंडियां नहीं पाईआं। कर्म करके कोई मनुख माड़ा हो सकदा, कर्म करके चंगा हो जांदा है। माड़े कर्म करन वाला माड़ा, चंगे कर्म करन वाला चंगा, पर जन्म तो कोई माड़ा? जन्म तो सारे ही माँ की रगत पिता बिद धारा, जिस वस्तु तो जिस चीज़ तो सारे बाकी जेड़े ऊच जातां वाले कहिंदे सी उच्चियां जातां वाले आ वह पैदा होए, तो जिन्हां नूं नीवियां जातां दे कहा गया, शूद्र कहा गया, वह भी तो उस वस्तु तो पैदा होए। और जिस रस्ते माँ की कुख चों किसी ब्राह्मण ने जन्म लिया, उस माँ की कुख दे विचों ही जिन्हों शूद्र कहिंदे सी उन्हें भी जन्म लिया, कोई वक्खरा रस्ता नहीं। भगत कबीर जी ने ताही कांसी बनारस की धरती से इस सूत छात के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, नगारे की चोट के उत्ते, डंके की चोट के उत्ते गुरमुख प्यारियो आवाज़ दे के जिहड़ी लड़ाई लड़ना की थी, वो साढ़े सामने है।
उन्होंने वंगार के आख्या जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। जिहे ब्राह्मण मनुखता च वंडिया ना पा, सर्ब सांझी बालता भाईचारे प्यार ते सत्कार दी गल सारे ही परमात्मा दी जोत है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। उस एक नूर परमात्मा दी जोत तो संसार पैदा होया। हरेक मनुख दे अंदर वो परमात्मा दी जोत है ते जदों उसे दी जोत तो सारे पैदा होए है ते फिर जन्म तो उच्चा ते नीवा किवें कोई, जन्म तो कोई ब्राह्मण ते जन्म तो शूदर किवें। आख्या कि हे ब्राह्मण जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। बाट नाम है रस्ते दा। जिस मां दी कुख राही सारे संसार ने जन्म लिया, सारे जीवां ने जन्म लेना कीता, पैदा होना कीता, उसे कुख राही तू संसार विच आउना कीता है। जां तां होवे कि मां दी वखी पाड़ के जां कोई होर रस्ता चुनिया होवे संसार ते आउन दा, ते मन लईए कि तू बाकी मनुखां नालों वखरा है। पर आखिया भगतां ने डंके दी चोट ते कि सारे मनुख एक है, सारे जीव एक है। जन्म तो कोई भी जन्म जाति सूदरंग संस्कार आदि जुज ते वेदा अभ्यास वेदा प्रेम ब्रह्म जनंती ते ब्राह्मण है। जन्म तो सारे ही सूदर की रक्त पिता विद धारा उस वस्तु तो सारे बने हैं। जन्म करके कोई भी उच्चा नीवा नहीं, कर्म करके चंगे कर्म करन वाला उच्चा है, माड़े कर्म करन वाला माड़ा, चाहे किसी धर्म विच किसी जात गोद फिरके विच पैदा होवे। भगत कबीर जी ने जिस तरीके नाल गुरमुख प्यारियो जात पात का खंडन किया, छूत छात का खंडन किया, अपनी किरत करके कमाई करके अपनी उपजीविका खड़ी बुन के ते अपनी उपजीविका चलाउणी, बहुत ऐसा समा भी आया जदों पंडिया ने वैर विरोध करदिया भगत कबीर जी दे नाल कई वर्तारे इस तरह के वर्ताने किए, पर परमात्मा ने हमेशा भगत कबीर जी की बाँह फड़ी, क्योंकि हर युग युग भगत उपाया, हर युग युग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे हरनाखस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। परमात्मा आप हाजिर होके भगत जी दे कार्ज करदा रहा, ताई भगत जी कहंदे ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किश हर किया भयो कबीर कबीर। कहंदे कीता परमात्मा ने शोभा मेरी हो रही है, क्योंकि परमात्मा ने भगत दी बाँह फड़ी, भगत दी पैज रखी। मैं बेनती करा गुरमुख प्यारियो, जिस जात पात तो भगतां ने कढ़िया, गुरुआं ने सानू कढ़िया जात पात के खिलाफ, एक संगत ते पंगत का सिधांत दिता, एक खंडे की पहल दे के सारियां नू बराबर, कोई ऊच नीच नहीं, कोई जात पात। जे पहाड़ी राजियां ने आख्या भी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं कि साडे लई वखरा अमृत तैयार करो, असीं नीवियां जातां वालिआं नाल अमृत नहीं छकणा, इह कौण ने इहनां नाल असीं अमृत छकीए, नीवे आ। ते सतगुरां ने आख्या इस तरह ना कहो, इन्हें की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोर पर, इहनां दी कृपा नाल मैं सजे आ। रहो विचार पर इह गुरमुख प्यारियो, जात पात का कोड ऐसा वध्या, कई लोगों की सियासत इस गल ते खड़ी है। सतगुर की बाणी ते कहिंदी जात पात तो परे होना, सारे बराबर है, कहण मात्र सब कहिंदे, पर कईयां दी सियासत डिवाइड एंड रूल, पाड़ो ते राज करो, भाईचारियां च वंड के जातां दे नां ते वंड के सियासत की कुर्सी खड़ी होंदी है, जातां पातां दे नां ते लड़ा के सियासत की कुर्सी खड़ी होंदी है उहनां दी, ता ही वह कुर्सी सलामत रहिंदी है जेकर जातां पातां च वंडदे है। पर ख्याल करना गुरमुख प्यारियो, बाहरी तौर ते कुछ भी होवे है ते माड़ा, पर जे धार्मिक तौर ते भी जातां पातां दा जिक्र होवे ते मैं समझदा गुरबाणी दे सिधांत दे खिलाफ है।
गुरु के सिद्धांत के खिलाफ आ। साडियां श्रोमणी संस्थावां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां असी देखदे आ, गुरद्वारियां दा प्रबंध करना है, गुरु घरां दा प्रबंध करना है, पर जिस वेले वोट सिस्टम दे राही कमेटियां चुनियां जांदियां ने, कोई विधानसभा की चोण होवे, पार्लीमेंट की चोण होवे, सरपंची की चोण होवे, उहदे च जात पात का जिक्र होवे, वोट बननी होवे, गल वखरी आ, भावें कि वह भी नहीं होना चाहिए, पर इत्थे आरक्षण की गल चलती है, रिजरवेशन की गल चलती है, अधिकार लैण की गल चलती, चलो उधर का वर्तारा वखरा, सियासी तौर पर, धार्मिक तौर पर गुरु घर का प्रबंध करना, तो उत्थे भी वोट फार्म के अंदर, वोटर फार्म के अंदर जात पात का जिक्र होवे कि तू किस जात नाल संबंध रखदा, लिखना पैंदा होवे कि जट सिख, नाई सिख, झीवर सिख, सीबा सिख, तो मैं समझदा इह गुरु के सिद्धांत के खिलाफ है। जिथे गुरबाणी का प्रकाश है, गुरु साहब प्रकाश मान ने गुरद्वारा साहब उन्हां इतिहासक गुरद्वारियां दा प्रबंध करना है, ते जिस जगह दा प्रबंध, जिथे गुरु साहब प्रकाश मान हो के जात पात तो उपर उठण दा, जात पात तो दूर होण दा उपदेश दे रहे हैं, तो उस गुरु घर दा, उस गुरु घर दे प्रबंध दी संस्था दा वोटर बनना होवे, ते उहदे च वी जात दा जिक्र करना पवे, उहदे च ते केवल सिख होना चाहिए, जात पात का जिक्र नहीं होना चाहिए। पर गुरमुख प्यारियों, पिछले समय तो जो गिरावटां आईयां ने, मैं समझदा इहनूं दूर करन दे विच असी जिहड़ा वो कामयाब नहीं हो सके, गुरु के सिद्धांत के खिलाफ ये सारिया गल्लां। पर भगत कबीर जी ने इस जात पात तो दूर होण वास्ते, ते देखो उन्होंने जो भगती की, सिमरन किया, अपनी किरत करके, अपनी उपजीविका, अपनी परिवार की प्रतपालना, साडा मार्गदर्शन किया, अज जिन्हां दा जन्म दिहाड़ा संसार विच मनाया जा रहा है, चाहे वह दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी है, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, अज कुरुक्षेत्र की धरती दे मुख स्थान ते भगत कबीर जी का जन्म दिहाड़ा क्यों मनाने हैं, दिहाड़े क्यों उन्होंने दिन, उन्होंने जन्म दिहाड़े, उन्होंने ज्योति ज्योत दिहाड़े, उन्होंने गुरियाई संतां भगतां गुरसिखां दे, कि उन्होंने उपदेश नूं असी ग्रहण करिए, जो उन्होंने अपने जीवन काल च सानूं उपदेश दिता, जो उन्होंने रब्बी बाणी, जो इलाही इलहाम होया, असी उन्हूं हिरदे च वसाईए। सो भगत कबीर जी जिन्हां ने गुरमुख प्यारे च जात पात का खंडन किया, जो उन्हां दा जन्मदिन मना रहे हैं, तो इन्हां उलामतां कुरीतियां तो दूर होना चाहिए, क्योंकि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, परमात्मा की जोत विचों, उहदे नूर विचों संसार पैदा होया। ये जात पात का कूड़ वढ़िया जाना चाहिए, जात पात दीयां लड़ाइयां खत्म होनिया चाहीदियां, सारा जो मनुख जात है, सारी मनुख जात हो एक है। ते कबीर साहब ने गुरमुख प्यारियों इस भगती लैण दे अंदर जो आनंद की प्राप्ति की, जो परमात्मा नाल एकमेक होना किया, उन्हां दी अपनी बाणी दे अंदर बचन पढ़िए, अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछानी, गज के आखो सतनाम। राम ते कबीर एक हो गए, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, ये ब्रह्म ज्ञान का संघासन है, आत्मा परमात्मा के मिलाप का संघासन है, जीव ईश की एकता का संघासन है, अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना शक्कै पछानी, राम ते कबीर एक हो गए। सो बहुत बहुत मुबारक वधाइया भगत कबीर जी के जन्म दिहाड़े दियां, भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है। श्रोमणी भगत इसलिए कहा जाता है कि धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के अंदर जिन्हां रागां च भगत कबीर जी की बाणी दर्ज है, गुरुआं की बाणी तो बाद सब तो पहलां भगत कबीर जी नूं जगह दिती गई है, बाकी भगत कोई घट नहीं, सारे भगत सन्मान योग है, जिहड़े परमात्मा नाल एकजुट हो गए, एक जोत हो गए, उन्हां नूं दर्जा बदर्जा नहीं वंडिया जा सकता, सारे एक रूप है, परमात्मा दे नाल मिल गए, चाहे वह भगत नामदेव जी है, भगत रविदास जी है, भगत धन्ना जी है,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਦਰਜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 153 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਣ ਹਰ ਸਰਨਾ ਰਹਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਜਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਣਸਣਾ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ, ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਲ ਸਰੀਰਨ ਕੋ ਬਣਿਓ, ਬਿਸਰਨ ਹੈ ਇਨ ਅੰਤ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਸੇ ਸਦਾ ਜਿਨ ਔਰ ਨਾਮ ਸੋ ਮੰਤ। ਆਖਿਆ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਖੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਸੇ ਸਦਾ ਜਿਨ ਔਰ ਨਾਮ ਸੋ ਮੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਫਿਰ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਆ। ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਵਧਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਨਾ ਇਹ ਵਧਣੇ ਆ ਨਾ ਘਟਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ,
परमात्मा दे दित्ते सवास भुगतने आ, कोई सवासां दी पूंजी खो नहीं सकदा। ते किन्ने गुरमुख प्यारे शक्तिशाली सरमाएदार लोग मित्र होण ओ वधा नहीं सकते। जदों परमात्मा वल्लों टुट गई जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिन्ना मरना भाई, जदों परमात्मा नालों टुट गई भावें प्राइम मिनिस्टर दे नाल, चीफ मिनिस्टर दे नाल, प्रेजीडेंट दे नाल ब्रेकफास्ट लंच ते डिनर सांझा क्यों ना होवे, उन्हां ने भी बाहू फड़ के नहीं रख लेना भी जमो छड़ जाओ, ये तो साडा मित्र आ, दोस्त आ, फ्रेंड आ साडा। जदों परमात्मा वालों टुट गई उदों तो उन्होंने भी नहीं रहना, उदों तो तनंतर वैद वर्गिया भी संसार तो जाना पिया, दुनिया के सियाने मनुख अफलातू वर्गिया भी संसार तो जाना पिया। तो सतगुर रहाओ दियां तुकां दे विच बचन कर रहे भाई, मरन लिखाए आए नहीं रहना, संसार ते मरन लिखा के आए हैं, संसार ते शरीरक रूप दे विच सदा नहीं रहना। पंज तत्तां दा शरीर आ, पंजां तत्तां च लीन हो जाना, पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जिह ते उपजो नानका लीन ताहे मैं मान। संसार ते रिहा कोई नहीं, रहना किसे नहीं, रह जांदियां जादां गुरमुख प्यारे चंगे दियां चंगियाईयां करके ते बुरे दियां बुरियाईयां करके। चंगे नूं चंगा कह के याद कीता जांदा, बुरे नूं बुरा कह के याद कीता जांदा। तां ही सतगुर संत भगत रब दे प्यारे सानूं यही समझाउंदे आ कि चंगा करके संसार तों जा, जे चंगा करके संसार तों जाएगा नाले तेरा जीवन सफला होएगा, सच्चा मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान, नाले संसार सोभा करेगा कि बड़ा चंगा सी, बड़ा चंगा सी, बड़ा घाटा पिया। चंगियाईया ते बुरियाईया जिहड़ियां परमात्मा दे दर ते भी वाचियां जांदियां, चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इस करके सतगुर कहिंदे रिहा कोई नहीं, रहना किसे नहीं, मरन लिखाए मंडल में आए, पहला मौत फिर जीवन, मरन लिखाए आए नहीं रहना, नहीं रहना संसार ते किसे ने। बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, बड़े बड़े औलिए अवतार, शरीर करके कोई नहीं रहा, बड़े बड़े राजे महाराजे आए संसार ते, लखोड़ी करोड़ी किए बेशुमार, ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार, कोई संसार ते नहीं। चलियो जुआरी दोवें हाथ झाड़, दोवें हाथ झाड़ संसार तो चलदे बने। तो सतगुर की कहिंदे आ भाई, जदों रहना ही नहीं संसार ते तां फिर हरी दा जाप कर, हर जप जाप ओ परमात्मा दा जाप कर, रहन हर सरना उस वाहिगुरु दी शरण विच रह, ते वाहिगुरु दी शरण विच जाना, वाहिगुरु दी शरण विच उस वाहिगुरु दी शरण नूं समर्पित हो जा। धर्म दी किरत कर, नाम जप वंड छक, पूजा काल की परचा शब्द का दीदार खालसे का, जो सानू सतगुरां ने बख्शिया। ते रहो विचार रहाओ दियां तुकां च, सतगुर सच्चे पातशाह ने सानू प्रेमा भगती नाल परमात्मा दी बंदगी नाल जुड़न दा उपदेश, क्योंकि सारी गुरबाणी सतगुरां संतां भगतां दा उपदेश सानू प्रेमा भगती परमात्मा दी बंदगी नाल जोड़दा, धर्म की किरत नाल जोड़दा, वाहिगुरु दे हुक्म नाल जोड़दा। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कह ना कोई। रहाओ दियां तुकां च सतगुर यही उपदेश बख्शिश कर रहा कि भाई मौत लिखा के संसार ते आए हैं, जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना दूर, गवन सिर उपर मरना जाना दूर, वाटा लंबिया ने पेंडा लंबेरा ते मौत काल सिर ते कूकद, पता नहीं कदों ने झपट्टा मार के कम खत्म कर देना। जननी जानत सुत बड़ा बड़ा होत है, इतना को ना जाना कि दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जम, हसै मां बच्चे नाल प्यार करदी है, जम सिर ते हसदा भी किन्नी भुलिया मां, इहनू नहीं पता एक दिन इहने मेरा खाजा बनना, मैं लै जाना। भोली मां किन्ना प्यार करदी है बच्चे नूं, इहनू नहीं पता इस गल दा कि एक दिन इहने मेरी खुराक बनना, पेखत ही जम राओ हसै। रहो विचार गुरमुख प्यारियो,
सतगुर सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश करके रंभता तो बख्शिश कर रहे ने। गौड़ी महला पहला गौड़ी राग है, गुरु नानक साहब के मुखारबिन तो उचारण किया पावन शब्द है, तो उचारण कर रहे ने सतगुर। सतगुर मिले सो मरन दिखाए, मरन रहन रस अंतर पाए। सतगुर कहिंदे भाई जे सत्ता सतगुर मिल जावे, जे सच्चे सतगुर दा मिलाप हो जावे, सच्चे सतगुर दी शरण चले जावे, सच्चे सतगुर दा उपदेश ग्रहण कर लवे, ते ओ मरना दिखा देंदा है, भाव जीवन दी सच्चाई दिखा देंदा है। इस जीवन जीवन मुक्त अवस्था फिर मौत तो डर नहीं लगता, फिर मरना को मायना नहीं रखता, फिर वो मरन भी जीवन वर्गा बन जाता, वह सदीवी जीवन बन जाता है। जो सतगुर का मिलाप हो जाए फिर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, जिस मरण तो संसार डरद, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। फिर वह समझ लेंदे कि इस मरण इस मौत दे नाल गुरु दे हुक्म दे विच रहण दे नाल परमानंद परमानंद की प्राप्ति होंदी है। गुरु दे हुक्म विच फिर मौत का डर भै खत्म हो जाता है। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास, हो सभना की रेणका, तो आओ हमारे पास। गुरु का उपदेश जदों हिरदे च वसा लैंदा, गुरु नानक साहब उचारण कर रहे है सतगुर मिले सो मरन दिखाए। जदों सतगुर का मिलाप फिर अवस्था का ज्ञान, ये सतगुर सच्चे पातशाह की बख्शिश हो जाती। अज जून 84 दे गुरमुख प्यारे दिहाड़े नूं याद किया गया, सिंह साहब तो आपने सरवण किया कि उन्हां महान शहीदां नूं नतमस्तक हुंदिआं उन्हां दी शहादत नूं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ ने, जिन्हां दे अज भोग पाए जाने ते उन्हां शहीदां नूं शरदा दे फुल भेट कीते जाने, नतमस्तक होया जाने, जिन्हां शहीदां ने शरीरां दी परवाह नहीं कीती, जिहड़े लड़न वास्ते गुरमुख प्यारे धर्म वास्ते तैयार बर तैयार सन, गुरधामां दी आन शान दी राखी करदिआं जिन्हां ने शहादत दा जाम पीता, संत जरनैल सिंह उन्हां दे साथियां ने जिहड़े हक सच दी लड़ाई, हक सच इनसाफ दी गल, अपने धर्म दी धर्म दीआं रौह रीतां परंपरावां दी चढ़दी कला दे वास्ते जिन्हां ने शहादत दा जाम पीता, उन्हां शहीदां नूं याद करदिआं अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों श्री अखंड पाठां दे भोग पाए जा रहे, पूरे संसार दे विच उन्हां शहीदां नूं याद कीता जांदा 1 जून तो लैके 6 जून तक, और 6 जून नूं श्री अकाल तख्त साहब दे उपर जिथे शहादतां दे जाम पीते उन्हां शहीदां ने गुरमुख प्यारे, जदों हिंद हकूमत दे वल्लों गिनी मिथी साजिश दे तहत तोपां ते टैंकां दे नाल श्री अकाल तख्त साहब ते हमला कीता गया, दर्शन दीदारे करन आईयां संगतां, गुरु दा गुरपुरब मनाउण आईयां संगतां, उस वेले धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज दा दिहाड़ा सी, शहीदी दिहाड़ा, ते गिणी मिथी साजिश क्यों कहा जांदा, दिन होर भी चुणिया जा सकदा सी, पर उही दिन क्यों चुणिया गया कि थोड़े समय च वध नुकसान करके सबक सिखाउण दी नीति, जिस तरीके दे नाल दुनिया ते गुरमुख प्यारो वखरी जी गल है, किसी भी देश दीआं फौजां उस देश दी राखी, देश दीआं सरहदां दी राखी, देश दे लोकां दी राखी वास्ते बनदी है, ते राखी देश दीआं सरहदां दी, देश दे लोकां दी, पर दुनिया दे अंदर किसी भी किसी धर्म दे धर्म स्थान दे उपर उस देश दीआं फौजां ने हमला कीता होवे, इह सैद श्री अकाल तख्त साहब ते हमले तो बिना किते दुनिया च इस गल की मिसाल नहीं मिलती। गिणी मिथी साजिश भावें वक्री गल है कि जिन्हें फैसला लिया उसनों में गुरमुख प्यारे अपनी जान तो हाथ धोने पे, बाद में जिस तरीके दे नाल मौत का शिकार होना पिया ये भी तुहाडे सामने है, ये वर्तारा जो वरते है। पर माफ करियो जो मैं बेनती कर रहा सी, जिहड़े दर्शन दीदारे करन वास्ते गए सन बच्चे बजुर्ग नौजवान, उन्हां दीआं वी शहादतां होईआं, जिहड़े धर्म लई जूझण लई तैयार सन उन्हां ते शहादतां दित्तीआं, उह तां जूझे,
ਉਹਦਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਖਾਏ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਪਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ, ਆਪਣਾ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਝੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜੂਝ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਕੀਤੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਖੁਦ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਕੀਤੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣ ਲਏ ਬੋਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੌਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਖਾਤਰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਡਰੈ, ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਅੰਤਰ ਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਕੀ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਅੰਤ ਪੈਣਾ ਏ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਜੂਝੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝੇ, ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
उन्होंने याद करते बाबा बूटा सिंह बाबा गरजा सिंह दो सिंघां ने सिख राज दा झंडा गढ़ दिता लाहौर की जरनैली सड़क ते आखिया खालसे दा राज हो गया चुंगी कटा के जाओ राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई चुंगी कटा के जाओ आया कटक चढ़ के आईया फौजा चढ़ के लाहौर तो जूझ के सिंघां ने शहादत दा जाम पीता पर ज्यौदे जी ईन नहीं मनी अणख ते गैरत अज ताही उन्हां नूं याद करदे आ ताही घरां च उन्हां दीआं तस्वीरां माफ करियो फिल्मी एक्टरां दीआं तस्वीरां जिहड़े नकली हीरो आ उन्हां दीआं तस्वीरां घरां च लाई बैठे साडे बच्चे बच्चियां नौजवान उन्हां नूं हटा दिओ असल जिहड़े हीरो आ जिंदगी दे योधे उन्हां दीआं तस्वीरां साडे घरां च लगणियां चाहीदियां ते उन्हां दीआं तस्वीरां जिन्हां तों सानूं सोझी मिले धर्म लई जूझण लई धर्म ते खड़न लई देश कौम लई अज सरहदां ते साडे फौजी जवान जूझदे शहादतां दा जाम पींदे आ ते उन्हां दी शहादत उन्हां दी कुरबानी तों सानूं सिखिया मिलदी है। देखो साडे देश दे दुश्मन आए समुंदरां दे राहीं बॉम्बे दी धरती ते नरीमन हाउस ताज होटल अन्नेवाह गोलियां मनुखता दा कतल फिर जेड़े गुरमुख प्यारो असल हीरो सन हैलीकॉप्टरां दे राहीं उतरे साडे फौजी जवान वह भी पक्ष देखना पवेगा ते उन्होंने किस तरह देश दे दुश्मनां नूं मार मकाया ज्यौंदे भी फड़िया वह जूझे उत्थे वह साडे असल हीरो आ जेड़े धर्म लई जूझे देश लई जूझे जिन्हां कुरबानियां सरदार करतार सिंह सराभा सरदार ऊधम सिंह भारत की धरती तो जलियांवाले बाग का साके का बदला लैण वास्ते लंडन की धरती से दहाके बीत गए दहाक्या बाद भी जाके उस पापी को दंड दियो पापी नू दंड दिता गुरमुख प्यारियों कीते दा फल भुगताया ते देखो किड्डी वड्डी कुरबानी साढ़े बब्बरे अकालिया ने भारत की आजादी के अंदर जिहड़ा योगदान पाया वो असल हीरो ने गदरी बाबे साडे गुरमुख प्यारे बज बज घाट इतिहास असीं पढ़दे हां कदे देखिए उन्हां दा जिहड़े देश कौम धर्म वास्ते जूझे हक सच इनसाफ लई उन्हां दे जीवन साडे लई मार्गदर्शन करदे साडे लई चानण मुनारा ते उह असल हीरो है उन्हां दीआं तस्वीरां घरां दे अंदर होण ते उन्हां दीआं तस्वीरां अज विकदियां जोड़ मेलियां ते गुरद्वारियां दे बाहर धार्मिक दीवानां दे बाहर अज उन्हां दीआं तस्वीरां किन्हां दीआं जिहड़े धर्म लई जूझे जिहड़े ज्यौंदे नहीं विके धर्म लई जूझ गए भावें बड़ियां वड्डियां ऑफरां सन उन्हां दे सामने पर उह धर्म लई जूझे अज उन्हां दीआं तस्वीरां विकदियां ने तस्वीरां सरदारां दीआं किते गदारां दीआं रख के देख लो गुरमुख प्यारियो सरदारां दीआं तस्वीरां ते लोग रुपए खर्च के भी लै जाणगे गदारां दीआं तस्वीरां तो कोई मुफ्त दे विच लिजा के भी घर विच नहीं लाउंदा ਰੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਠਾਨ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਆਓ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਛੱਡ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜੂਝੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਜੂਝਣਾ ਅਤੇ ਜੂਝੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਰੁਤਬੇ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਲਈਏ ਇਹ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚਵਾ ਆਪਣਾ ਤਦ ਮਿਲਣੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੈ
ते ख्याल करियो गुरमुख प्यारे उच्चियां हस्तियां उच्चे मुरातबे शहीदां च जिकर ये ताही गुरमुख प्यारियो जे गुरु दे राह ते चल के उन्होंने गुरु दे बख्शिश लैके इन अवस्थावां नूं प्राप्त कर लिया। गर्भ निवार गगन पुर पाए ते सतगुरु सच्चे पातशाह ब्रह्म ज्ञान दा उपदेश रूहानियत दा अध्यात्म दा उपदेश बख्शदियां सतगुरु कहिंदे भाई जिन्हां ने गुरु सरन च जाके मरना जान लिया हौमे हंकार तो दूर हो गए उन्होंने गगनपुर उन्होंने सचखंड की प्राप्ति की है। उन्होंने सचखंड उन्होंने ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दसम द्वार नूं प्राप्त किया। रहाओ दियां तुकां तो अगे सतगुर उपदेश बख्शदे आ सतगुर मिलिया तां दुबदा भागै जे सच्चा सतगुर मिल जाए मनुख चों दुबदा खत्म हो जाती असी तो दुबधावां च जींदे आ असी तो दुबदा दे विच दुबदा मन दे अंदर आ कर लवां ना करा अमृत छक लवां ना छकां गुरद्वारे जावां ना छकां बाणी पढ़ा ना पढ़ा दुबधावां दे अंदर दुबदा च पए होए आ। अज अमृत संचार भी है जिवें सिंह साहब ने दस्या हर ऐतवार अमृत संचार ते जिन्हां अजे तक नहीं अमृत पान कीता साबत सूरत हो अमृत पान कर गुरु वाले बनन नशियां तो रहत होना वहमां भरमां पखंडां तो रहत होना ते फिर सतगुर सच्चे पातशाह दी रहमत बख्शिश नूं प्राप्त दुबधा चों निकल जाणा। चंगा कम करना देरी ना करना है बलंब धर्मं बलंब पापं संस्कृति दे बचन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे भाई धर्म दा कम करदिआं देरी ना कर गुरद्वारे नूं तुरिआं दुबधा च ना पै बाकी सब छड्ड दे चल गुरु घर धर्म स्थान ते जाणा मंदिर मस्जिद गुरद्वारे अपने धर्म अनुसार दुबधा च ना पै मस्जिद नूं तुरिआ मुसलमान दुबधा च ना पवे मंदिर नूं तुरिआ ब्राह्मण वीर सनातनी वीर दुबधा च ना पवे सिख गुरद्वारे नूं तुरिआ गुरु घर नूं ते गुरु का स्थान ते उपदेश चों वरना को सांझा इत्थे सारी मनुखता नतमस्तक होंदी क्योंकि इत्थे सरबत दा भला मंगिया जांदा है। धर्मां दे अंदर आपो अपना भला आपों अपने लोगां दा भला अपने अपने लोगां नूं उपदेश पर इत्थे उपदेश भी सांझा ते भला भी सब दा आ हुणे अरदास होणी है ते अरदास दे बोल किथे जाके समाप्त होणे आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला इत्थे सरबत दे भले दी गल दुबधा च ना पै तुरना गुरु घर वल दुबधा च ना अमृत छकना हुण नहीं जवानी जवानी नहीं बुढ़ापे च वेले होके कम्मां कारां तो फिर गुरु वाले बनना ही गुरमुख प्यारियो धर्म दा कम करदिआं देरी नहीं करनी गुरु दे लड़ लगना दुबधा चो निकलना ते जे सतगुर दा मिलाप हो जावे दुबधा तो दूर हो जा दुबधा निकलदी तां जे सतगुर दा मिलाप कमल विगास मन हर प्रभ लागै फिर जिहड़े सतगुर दा मिलाप कर लैंदे दुबधा चो निकलदे उहनां दा हिरदे कमल खिड़ जांदा हिरदे कौल खिड़ जांदा ब्रह्म ज्ञान दी दात प्राप्त हो जांदी आत्मा परमात्मा दा मिलाप हो जांदा उहनूं पता लग जांदा मैं संसार ते आया की करन वास्ते मैं कर की रिहा मैनूं करना की चाहीदा इह ज्ञान दी प्राप्ति जीवन मुक्त अवस्था दी प्राप्ति हो जांदी है। प्रभु दे चरणां दे नाल मन जोड़ के कमल विगास दा हिरदा कौल खिड़ जांदा जिहड़ा वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल जुड़दा जीवत मरै महारस आगै ते जिहड़ा जिउंदिआं जीवन मुक्त मरना मंड लैंदा जिउंदिआं उहनूं महारस आगै फिर महारस दी महानंद दी प्राप्ति हुंदी है। सतगुर मिलिआ सच संजम सूचा ते सतगुर दे मिलाप नाल ही मनुख सच नूं प्राप्त करदा संजम नूं प्राप्त करदा ते सूचा हुंदा पवित्र हुंदा ओदां जिन्ने मर्जी जतन कर ले तां माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे आवे जूठे जाहे भी जूठे जूठे मरहु भागे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहां बैसों भोजन खाओ उस तरह ते सूचा हो ही नहीं सकदा सूचा सतगुर दे मिलाप नाल कहो कबीर तेई नर सूचे सूची भई जिन्हां दी गुरमुख प्यार साची सूची पवित्र जिन्हां दी विचार हो गई है विचारा जिन्हां दी गुरमुख प्यार हो विचार सची सुची हो गई वह सुचे है। सतगुर बचन कर रहे गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा जिहड़ी गुरु ने पौड़ी दिती गुरु ने मार्ग दिता संत का मार्ग धर्म की पौड़ी गुरमंत्र सिमरन वह फिर उच्चिया अवस्था उच्चे मरातबिया प्राप्त कर दे उच्ची अवस्था प्राप्त कर दे
करम मिले जम का भव मूचा, गुरु की बख्शिश मिल जाए तो जमां का भव भी डर भी छुट जाता। गुर मिले मिले अंक समाया, जेडे गुरु नाल मिले वह गुरु के अंक गुरु की गोदी च समा गए, गुरु की जोत विच समा गए। कर किरपा घर महल दिखाया, गुरु की किरपा हो गई, गुरु की बख्शिश लई, गुरु नाल जुड़िया ते गुरु ने महल सरूप दिखा दिता, गुरु ने ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता। नानक हउमै मार मिलाया, ते नानक नाम की मोहर लगा के सतगुर कहिंदे जिन्हां ने हउमै नूं मार लिया, गुरु ने कृपा कर दिती, हउमे खत्म कर दिती, अपने विच मिला लिया। सो सतगुर सच्चे पातशाह का उपदेश है कि भाई गुरु की शरण लैनी, गुरु के उपदेश नाल नाम सिमरन नाल जुड़ना, रहा कोई नहीं रहना नहीं किसी ने संसार ते, और इस मौत का डर खत्म गुरु की शरण विच प्राप्त होंदा गुरु के ज्ञान तो। आओ गुरमुख प्यारियो, गुरु की बख्शिश, गुरु की रहमत, गुरु के उपदेशों नाल जुड़ के इस ज्ञान नूं हासिल कर लिए। सतगुर सच्चे पातशाह की रहमत बख्शिश दे सदका आप जी नाल विचार सांझे कीते होईआं भुल्लां की खिमा बख्शो, समां इजाजत नहीं दिंदा। लोड़ है अज गुरु के उपदेश, गुरु के प्रचार ते प्रसार की। कल ही बचन हो रहे सन धर्म प्रचार, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार करमजीत अपना जसप्रीत सिंह करमसर दस रहे सन कि छुट्टियां चल रही ने, 8000 के करीब बच्चों के कैंप चल रहे हैं, बच्चों सिखी नाल ऊड़े ते जूड़े नाल जोड़न वास्ते शलाघा योग उपराला। सारिया संस्थावां नूं करना चाहिए, सारे गुरमुखां नूं करना चाहिए, आप जुड़ना ते होरां नूं जोड़ना, ते बच्चे बच्चियां नूं खास करके मैं अपील करूँगा कि जिथे भी ये कैंप चलते अपने बच्चे बच्चियां नूं उन्हां कैंपां च भेजिया जाए। वह पंजाब च चलते हुण, हरियाणा च, राजस्थान, दिल्ली, जिस भी जो गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां जो लोकल लैवल ते उन्हां नूं भी उपराले करने चाहिए आ। जिहड़ियां हुण छुट्टियां दा महीना, जून दा महीना, इहदे विच बच्चियां दे कैंप लाए जाण, ते जिहड़े भी गुरमुख लगा रहे चाहे वह दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान धर्म प्रचार, चाहे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साढ़े हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान कैंप लगा रहे बच्चों सिखी नाल जोड़न वास्ते ये शलाघा योग उपराला, तो मैं इसकी भरपूर शलाघा करदा कि उपरालिया की अज लोड़ है। तो हर सिख नूं कमर कस्सा करके, कलियां संस्थावां दी जिम्मेवारी नहीं, हर मनुख की जिम्मेवारी, हर सिख की जिम्मेवारी है कि धर्म के प्रचार प्रसार वास्ते अपना योगदान पाउणा। सो बहुत धन्यवाद समूह संगतां दा जिन्हां प्यार ते सत्कार बख्शिया, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का, सत्कारयोग सिंह साहब जी का, धर्म प्रचार कमेटी का, जिन्हां दे उपराले सदका आप जी के दर्शन ददारे कीते है। थोड़ियां बेनतियां बहुतियां करके जाननियां, फिर जदों समा बणिया आप जी के दर्शन ददारे करांगे। मेरिया भुल्लां मेरी झोली पायो तां कि अगां तो सोध के तुहाडे चरणां च रख सकीए, और जिस तरह भी सतगुर ने बचन करवाए उन्हूं आपां हिरदयां च वसाउणा है। कल नूं छेवें पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा भी है, सारे संसार से मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की धरती से पहली बार हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वड्डे पद्धर से मेरी पीरी का यह दिवस जिहड़ा मनाया जा रहा, वध तो वध संगतां आपो अपने इलाकों च आपो अपनियां थावां ते हाजरी भर के मीरी पीरी दे मालक सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदे, उहनां दीआं सखियावां नूं धारण करिए, उहनां दे उपदेशां नूं धारण करिए, फिर जिहदे नाल इह लोक सुखीए परलोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, सरबत संगतां गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।